गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी एम जैन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सेल का एक डिफरेंट फंक्शन, एक बड़ा ही मजेदार फंक्शन। बट उस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, राइट। क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए एक्सेल के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे फंक्शन लाता रहूंगा जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान तो जरूर बनाएंगे, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसे फॉर्मूले आपके पास रेगुलर पहुंचते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो फंक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो फंक्शन है बेसिकली, कई बार बेसिकली आप इंटरनेट पर जब काम करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आती है। या एक्सेल के अंदर भी आप काम करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई जैसे जीएसटी की रिटर्न्स बनाते हैं, तो उस रिटर्न के अंदर आप देखते हैं कि स्टेट की एक लिस्ट आती है, आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट आती है, उन लिस्ट में से आप एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये लिस्ट आखिर क्रिएट कैसे की जाती है, कि अपने डेटाबेस में, मैं एक बहुत बड़े डेटाबेस में काम करता हूँ और एक आइटम मुझे बार बार डालना पड़ता है, स्टेट मुझे बार बार डालनी पड़ती है, कस्टमर के नाम मेरे वही रिपीट होते हैं, मुझे बार बार डालने पड़ते हैं, तो क्या ऐसी ड्रॉपडाउन लिस्ट मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, राइट। तो आंसर इज यस, यस आप लोग वो ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बड़े आराम से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगले दो मिनट के अंदर, तीन मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो ड्रॉपडाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, राइट। आज के वीडियो में आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आइए चलिए सीखते हैं कि वो ड्रॉपडाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जा सकती है, की जाती है, राइट। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आइए सीखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ड्रॉपडाउन लिस्ट। तो दोस्तों, मैंने पहले से एक अपनी एक लिस्ट बना के रखी हुई है, बड़ी एक सिंपल सी लिस्ट है आपके सामने, जिसमें कॉलम ए में कस्टमर नेम है, कॉलम नेम है कस्टमर नेम है, राइट। कॉलम बी में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टेट डालनी है हर कस्टमर के आगे, राइट। हर कस्टमर के आगे मुझे स्टेट डालनी है। एक तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पर स्टेट टाइप करूँ, दूसरा तरीका ये है कि वो ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कर दूँ, जहाँ से बस आप क्लिक करें, ड्रॉपडाउन से नाम आए, एक नाम आप उसमें से एक स्टेट सेलेक्ट कर लें, राइट। तो मैंने क्या किया है, शीट टू में मैंने पहले से एक अपनी स्टेट की एक लिस्ट डाल के रखी हुई है कि ये लिस्ट मेरी उस ड्रॉपडाउन लिस्ट में आनी चाहिए। ये लिस्ट मेरी जो शीट टू में मेरी लिस्ट है, जो मेरी सारी इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आ रही हैं, ये सारी लिस्ट मेरी उस ड्रॉपडाउन लिस्ट में आ जाएं। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, मुझे करना क्या है, ऊपर जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, इसमें डेटा में आपको जाना है, राइट। कहाँ जाना है, डेटा में। आप डेटा में जाएंगे, डेटा में जाएंगे देन आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इसमें आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में एक लिस्ट आ रही है आपके सामने, जिसमें आप ड्रॉप डाउन में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब नीचे आपसे पूछ रहा है सोर्स, जो लिस्ट बेसिकली यहाँ लेके आनी है उसका सोर्स क्या है, तो आप इस पर पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर, राइट। अब आप उस सोर्स पे जाएंगे जहाँ से आपको वो लिस्ट उठानी है, पिक करनी है, जो लिस्ट आपको जहाँ से, वहाँ पे आप जाएंगे। शीट टू में मेरी लिस्ट है, मैं जाता हूँ और मैं उस सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी लिस्ट में नज़र आने चाहिए। तो पहला नाम मेरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ रहा है, राइट। वहाँ से लेकर आखिर तक मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, वेस्ट बंगाल तक, तो मेरी सारी स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, राइट। देन यहाँ पर आप, फिर मैं उस बॉक्स पे वापस आऊँगा, इनपुट मैसेज, राइट। जब भी कोई इस सेल के ऊपर आए जहाँ पे मैंने ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट की है, तो उसको कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं, अगर आप मैसेज दिखाना चाहते हैं तो आप मैसेज भी दिखा सकते हैं कि उस मैसेज का टाइटल क्या होगा। टाइटल सपोज मैं रख देता हूँ कि प्लीज़ सेलेक्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट, राइट। इनपुट मैसेज दिखाना चाहते हैं, प्लीज सेलेक्ट नेम ऑफ स्टेट ऑफ योर कस्टमर, प्लीज सेलेक्ट नेम ऑफ स्टेट ऑफ योर कस्टमर, राइट। एरर मैसेज, सपोज कोई स्टेट की जगह, वहां उस स्टेट की जो लिस्ट में आ रहा है उसकी जगह कुछ और इसमें लिख देता है, तो आप चाहते हैं वो लिख ना पाए, राइट। तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, लिस्ट में से आप स्टॉप वार्निंग या इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे स्टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई मैसेज देना है आपको, एरर मैसेज कि वो कुछ क्या जानना चाहता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, रॉन्ग वैल्यू, प्लीज सेलेक्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट। आपकी जो फंक्शन था वो रेडी है काम करने के लिए, अब आपको केवल ओके करना है इसको, राइट। आपने ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, एक ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो भी स्टेट शीट टू में थे वो यहाँ पर पिक हो गए हैं। आपको जो भी स्टेट सेलेक्ट करनी है आप ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो भी आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है ड्रॉपडाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि ये सारा आपको नीचे तक कॉपी करना है, तो मैं
मैं अभी जो सिलेक्ट किया स्टेट उसको हटा देता हूँ, राइट, ब्लैंक कर देता हूँ, बट ड्रॉप डाउन इसमें है अभी मेरा, राइट। मैंने इसको कॉपी किया और मेरे जितनी भी लिस्ट में आइटम है जहाँ तक मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उसको कॉपी करता हूँ और सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी और एंटर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, अगर आप देखेंगे अब मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये लिस्ट मेरी बन चुकी है, हर जगह मेरी ये लिस्ट बन चुकी है, राइट। यहाँ से मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, मैंने आसाम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आके मुझे कुछ स्टेट सेलेक्ट करनी है, मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कुछ और टाइप करने की कोशिश करता हूँ गलती से और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे को ये वार्निंग मैसेज देता है। ये वो वार्निंग मैसेज है जो आपने इस लिस्ट को क्रिएट करते टाइम एक वार्निंग मैसेज डाला था, रॉन्ग वैल्यू, प्लीज़ सेलेक्ट द आइटम फ्रॉम लिस्ट, राइट। है ना दोस्तों, कितना आसान, आप इसको ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सपोज़ कई बार आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी आप ड्रॉप डाउन से नीचे जा रहे हैं तो एक साइड में एक मेन्यू ये लिखा हुआ जो आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द आइटम फ्रॉम लिस्ट, ये हर जगह बार बार आ रहा है। कई बार ये काफ़ी जगह इरिटेट कर सकता है कि नहीं यार ये मुझे बार बार नहीं चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप हटा भी सकते हैं। आप डेटा वैलिडेशन में जाइए दोबारा, डेटा वैलिडेशन में आप दोबारा जाइए और जो इनपुट मैसेज है यहाँ पर ऊपर आ रहा है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, इसको आप अनचेक कर दीजिए, राइट। और आपने ओके किया, अब आप देखिए वो ड्रॉप डाउन जा चुका है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी इसे यहाँ से हटाया है नीचे ये आएगा, मुझे सब जगह से हटाना है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं सारे में पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखिए कहीं पर भी नहीं आएगा, ये इनपुट मैसेज कहीं पर भी नहीं आएगा, लेकिन इनपुट मैसेज कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन वो एरर मैसेज मैंने नहीं हटाया इसलिए एरर मैसेज अभी भी आएगा। अगर मैंने इसको कुछ और लिखा और एंटर किया तो फिर ये एरर मैसेज मेरे को दे रहा है, राइट, जो कि अच्छा भी है। अगर कोई गलत वैल्यू डालने की कोशिश भी करेगा तो इसमें गलत वैल्यू डाल नहीं पाएगा, राइट। तो इसको आप अपने सिस्टम पर ट्राई कीजिए, इस मेरी वीडियो को अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरा वाकई में अच्छा है, आप लोगों की लाइफ को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आसान बनाएगा, तो आप लोगों ने तो सीख ही लिया है, लेकिन ज्ञान को ना अपने पास नहीं रखना चाहिए, ज्ञान को बांटते रहना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ 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 ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरे ऐसे वीडियोज़ आपके पास आते रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।